साहब एक और सवाल है मेरा कि जैसे आज मतलब इनब्रीडिंग का जो ज़्यादा चल रहा है इनब्रीडिंग, तो आगे जाके ये इनब्रीडिंग की क्या प्रॉब्लम होगी ये थोड़ी नहीं देखो, जानकारी इनब्रीडिंग अब लोगों को अवेयरनेस आ गई, अब लोग समझने लग गए। समझने मगर लगे। आदमी क्या है कि एक तरफ ही देख रहा है एक तरफ ही देख कि रहा है। अच्छा इस घोड़े की बच्ची नहीं है, मतलब जैसे कि आलीशान की नहीं है। अरे हाँ आलीशान की नहीं, काला काटा की है। काला हाँ काटा की नहीं है तो उसकी देवराज दिलबाग की है। दिलवा की तो आप उसकी बेटी हो गई और तुम दूसरे घोड़े से करा रहे हो। तो इनब्रीडिंग में एटलीस्ट कम से कम 4 जनरेशन तक आपको ध्यान रखना ही है। अच्छा क्या कि भाई माँ को बेटी से, मतलब बेटी को बाप से नहीं कराया जाए, या माँ को भाई से नहीं कराया जाए, सही। क्या या माँ को बेटे से नहीं कराया जाए, ये ध्यान रखना। उसमें एक्चुअली होता क्या है कि लोगों को नज़र नहीं आती वो प्रॉब्लम। लोगों को नज़र कब आएगी, जब वो बच्चा बच्ची पैदा होंगे ना, उनमें ताकत नहीं होगी, ताकत नहीं मतलब होगी, उनमें बीमारी से लड़ने की क्षमता नहीं होगी, क्षमता नहीं होगी। आज मैं आपको बताता हूँ कि कोई घोड़ा घोड़ी अगर इन ब्रीडिंग का है हाँ तो इन ब्रीडिंग के घोड़े में आपको उसकी आंखें अलग नजर आएगी। अच्छा आंखें या तो बिल्कुल छोटी छोटी, उसके छोटी शरीर की बनावट से, हाँ उसके होंठ हमेशा नीचे लटके हुआ मिलेगा। क्या हाँ नीचे का वाला जो होंठ है ना, हाँ बाइट इन आउट, मतलब वो ग्रो पूरा नहीं करते, क्योंकि उसमें घोड़े में जो कमी है और उस घोड़ी में जो कमी, और दोनों मिल गई तो वो जो परसेंटेज, जैसे मान लो 20% उसके खानदान में नजर आता है। अगर घोड़ी अलग होगी तो 20% का 10% हो जाएगा, 5% हो जाएगा। मगर घोड़ी भी उसी लाइन की और घोड़ा भी उसी लाइन का, 20 और 20 हो गया 40। चालीस अब 40% अगर अच्छी चीज उसमें आई है तो 40% खराब भी तो आ रही है, सही है। और जब खराब आ रही तो वो आउट आ रही है, वो नजर आ रही है आपको। तो अब ये चीजें बहुत, मैं तो ये सोचता हूँ इनब्रीडिंग नहीं करनी चाहिए। आपके पास फिर क्या होगा, आज चलो आपके पास ऑप्शन, फिर ऑप्शन खत्म हो जाएंगे ना। तो अगर आपने उदयपुर के अंदर मान लो 100 घोड़ा घोड़ी है, और 100 में से आपके पास अभी 60 है आलीशान लाइन के और 40 दूसरी लाइन के, दूसरी लाइन, अब आपने 60 को 90 तक आलीशान लाइन के पहुंचा दिया, हाँ। अब आपका 10% चांस रहा दूसरी लाइन का, दूसरा लाइन और 10% वो हो सकता है खत्म हो जाए। खत्म हो जाए तो बेटर है आपको उसका एक बैलेंस बना के रखना है कि भाई अपने एरिए में 5 अलग अलग तरीके के घोड़े हो, 10 अलग तरीके की घोड़ियाँ हो, तो आप उनको एक दूसरे से एक्सचेंज कर सको। एक्सचेंज कर क्या, सको। और हर लाइन के अंदर ही सब कुछ बढ़िया नहीं है। मतलब आज जैसे अति सुंदर है ये घोड़े, इनमें ब्यूटी बहुत है, ब्यूटी बहुत अगर है। आपको हाइट चाहिए, ठीक है। अब लोग बात कह देते हैं कि यार नहीं, हाइट कोई जरूरी नहीं। देखो हाइट भी एक मायने रखती है। मायने आज मैं ये जानता हूँ कि मेरे पास जो घोड़ा कामदेव था वो उससे 20 गुना सुंदर होता, और वो अगर घुमसाट का होता तो मेरे से कोई खरीदता क्या? नहीं खरीदता। मैंने 40 साल से मैं मतलब घोड़ा घोड़ी का कर रहा हूँ। मेरे पास एक सिम्बा नाम का घोड़ा था, 60 इंच का घोड़ा था, बहुत सुंदर, और उसकी लाइन भी बहुत अच्छी थी। मगर मैं आपको बता दूँ, उसके पास मेरे पास घोड़िया बाहर की टोटल 4 साल में 10 घोड़ी आई होगी, सही है, ठीक है। अब कामदेव घोड़ा था, वो सुंदर भी था, उसकी हाइट भी थी, उसकी बनावट भी थी। तो फर्स्ट ईयर तो लोग जो दिख रहा है वो देखते हैं, सही है। फर्स्ट साल में जब घोड़ा आप चालू करते हो ना, तो 1 साल तक तो लोग बाग खाली ये देखते कि घोड़ा कैसा दिख रहा है, घोड़ा कैसा, ठीक है। दिख रहा। दूसरे साल से तो घोड़े को बताना है कि मैं कैसा पैदा कर रहा हूँ, सही है। अगर उसने बच्चा बच्ची आ गया और बच्चा बच्ची 10 बच्चा बच्ची में से 6 बच्चा बच्ची गलत आ गए तो कौन आएगा आपको ब्रीड करने, सही है। तो घोड़ा अगर वो 3 साल लगते हैं उसको उसको प्रूव करने में कि मैं घोड़ा हूँ। अच्छा घोड़ा सुंदर दिखना जरूरी नहीं है, सुंदर प्रोड्यूस भी करना चाहिए। प्रोड्यूस क्या कर रहा है वो चीज मायने रखती है। ये चीजें बहुत मायने रखती है। आज जो भी घोड़े फेमस हो रहे हैं, कुछ लोग क्या कि उसमें लगे हुए हैं, वो अपने 10 जने जा रहे हैं तो मैं भी उधर चला जाऊं, सही है, क्या? सही है। मगर आदमी को सोचना चाहिए कि मेरी घोड़ी में क्या कमी है, मेरी घोड़ी को क्या चाहिए, और मेरी घोड़ी में ये लाइन का कोई ट्रबल तो नहीं है क्या। बाकी मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इन ब्रीडिंग मान लो हो रही है, तो ये क्या पीछे आलीशान लाइन में, क्योंकि आलीशान के 10 या 8-10 अच्छे घोड़े हैं, सही है। मगर उनको ये मालूम नहीं कि अपनी घोड़ी भी तो उसी लाइन की है, क्या सही है। तो वो चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, वो ध्यान में रखना चाहिए। तो इन ब्रीडिंग नहीं करानी चाहिए। और सबसे अगर दूसरी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, मगर जो मेडिकल डिफेक्ट आएगा वो तो गलत है ना, वो तो आपको घाटा देगा, घाटा देगा। आगे जाके प्रॉब्लम प्रॉब्लम होगी, मतलब लेमिनाइटिस ये चीज, मतलब ब्रीडिंग लेमिनाइटिस। तो चलो मान लो अपन बाकी, जैसे किसी के एक आंख नहीं आना, सही, किसी का जबड़ा छोटा आना, छोटा आना, किसी का रोमन नोज ज्यादा आ जाना, सही, ये इन ब्रीडिंग के लक्षण। हाँ, ये दांत कम ज्यादा, आंखें छोटी होना,
उसको अगर अचानक कभी बीमार हो गया तो बीमारी से लड़ने की क्षमता बहुत कम होना, टेस्टिकल में भी प्रॉब्लम, टेस्टिकल्स की प्रॉब्लम आ जाती, बहुत सारी है। किसी घोड़े के पांव, मान लो घोड़ा बहुत सुंदर, उसके पांव सुंदर नहीं है, पर उसकी बनावट जो पांव की जो हुक्स वगैरह वो सही नहीं, जो जेनेटिकली आता है, अगर वो इनब्रीडिंग होगी तो उसमें ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। ये चीज़ है। तो आज के समय में मतलब सब बहुत सारे लोग इस घोड़ा फील्ड में आ रहे हैं, तो इसमें मतलब एक रखने के जो मतलब छोटा आदमी भी घोड़ा रख रहा है और एक मतलब पैसे वाला भी रख रहा है, तो मतलब ये शौक मतलब कहाँ तक सीमित है ये? देखो ऐसा है कि मेरा ये सोचना है कि एक अगर कोई घोड़ा अपना इसलिए खरीदना चाहता है कि मेरा परिवार चलाऊं, सही है, ठीक है ना, कि भाई मेरे पास कुछ जगह है, मेरे पास टाइम है, मैं तो ये बोलता हूँ कि उस आदमी को तो घोड़ा नहीं खरीदना चाहिए जिसके पास टाइम भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। सही है, उसको तो घोड़ा खरीदना ही नहीं चाहिए जिंदगी में। अगर टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, मगर उसको शौक है, तो कहीं दोस्तों के यहाँ जाके शौक पूरा कर दे, पूरा कर ले, किसी फार्म पे चला जा, हेल्प कर दे, घोड़े को साफ सफाई कर दे, घोड़े के पास में बैठ जा, तो तेरा, क्योंकि देखो क्या होता है, घोड़ा अगर रखना तो पैसा जरूरी है, और अगर आप पैसा नहीं, टाइम तो जरूरी है, टाइम जरूरी, ठीक है। अब दोनों चीजें आपके पास नहीं है, टाइम भी नहीं और पैसा भी नहीं है, तो फिर आप घोड़ा कैसे रखोगे? अब क्या होता है, एक आदमी घोड़ा खरीदता है कि भाई मैं शादी ब्याह में चलूंगा, शादी ब्याह, ठीक है, अब शादी ब्याह में चलूंगा, तो उस शादी ब्याह वाला जो घोड़ा रख रहा है उसके घर में सबको शौक होना चाहिए उस घोड़े का। सही है, घोड़ा अगर उसको अकेले का शौक हो तो हो सकता है वो घोड़ा साल दो साल ही रख पाएगा। सही है, उसके अगर वो वहाँ अवेलेबल नहीं है तो अगर एक ही रख रहा है तो वो एक का कर लेगा, फिर क्या उसके मान लो घोड़ी को बच्चा हो गया, अब अगर वो शादी में घोड़ी लेके चला गया उसको पानी पिलाने वाला ही नहीं। सही है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो सबको शौक होगा तो ये वर्किंग, अगर आप कोई भी काम करते हो, खेती भी करते हो, अगर घर वाले आपको हेल्प कर रहे हैं, कोई पानी पिलाने में कर रहा है, कोई चारा काटने में कर रहा है, तो वो खेती आपको फायदा देती है, और अगर आप हर काम लेबर से कराओगे तो वो आपको खेती घाटा देगी। मतलब फैमिली भी एक सपोर्ट चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, तो एक तो ये हो गया भाई। अच्छा अब क्या हो गया, कुछ लोग अपनी खुद की शांति के लिए घोड़ा खरीद रहे हैं। सही है भाई, बहुत से लोग अभी इन दो सालों में मैं मिला हूं कि उनके पास धंधा है, बहुत अच्छा बिजनेस है, पैसा भी बहुत अच्छा है, अब उन लोगों के पास टाइम भी है, मतलब वीकेंड टाइम है, उनके पास जगह भी है, उनको बचपन में सोचता है घोड़ा खरीदो घोड़ा खरीदो, अब वो लोग अगर घोड़ा खरीदे तो उनको सबसे पहले मेरा तो ये सोचना है कि भाई पहले तो वो सक्षम है, उनका पैसा भी है, वो कोई ऐसी स्टेट फार्म पे जाए जहाँ पर वो घोड़ों को कैसे रखते हैं, कैसे रखते हैं, घोड़े में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और क्या क्या फायदे और क्या क्या आपको मेंटली सपोर्ट करता है, तो वो जाके वहाँ देखे। अभी जैसे हमने लास्ट दो महीनों से एक चालू किया है, अच्छा, अभी मेरे यहाँ कुछ क्लाइंट दिल्ली के और पंजाब के भी आए हैं ठहरने के लिए। अच्छा, अपना फार्म क्या है, यहाँ करीबन 12 बीघा लैंड है। अच्छा, ठीक है, और बहुत अच्छी हरियाली है, तो अपने क्या 6 रूम बना रखे हैं टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट के लिए। तो नॉर्मली अपना काम है सफारी का, राइडिंग का, और टूरिस्ट, अच्छा उदयपुर से ज्यादा दूर नहीं है तो टूरिस्ट यहाँ आके ठहरता है। अच्छा, अभी अपने लास्ट 2-3 महीने से क्या बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, तो चलो अब एक आधा बंदा आ गया तो उसको सिखाने में अपने को एतराज नहीं है, मगर जब क्या अगर महीने में अगर 4-5-6 लोग आते हैं, तो अगर आप वो क्या कहते हैं सोशल वर्क तो कर नहीं सकते क्योंकि खर्चा भी होता है, सही है। तो अभी हमने क्या किया है कि जो लोग जिनके पास इनफ पैसा है, फ्यूचर में होस्टेड फार्म खोलना चाहते हैं या घोड़ा रखना चाहते हैं, या इवन घोड़ा नहीं रखना चाहते, घोड़े का शौक है, वो घोड़े के साथ टाइम व्यतीत करना चाहते हैं। सही है। अभी क्या लोगों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा, धंधे का, बिजनेस का, किसी का पैसा बहुत है मगर स्ट्रेस है, वो फ्रीडम चाहता है, और जिनको घोड़ों का शौक है, तो हम लोगों ने क्या किया है कि हमारे यहाँ फार्म पे हम एक तो रूम प्रोवाइड कराते हैं, और एक मॉर्निंग और इवनिंग, मॉर्निंग में घोड़े को खाना कैसे खिलाते हैं, घोड़े को रूम के बाहर कैसे निकालते हैं, घोड़े को देख के ये बताना है कि भी तकलीफ क्या है, तो ये तरीके का हमने एक प्रोग्राम कर रखा है, मतलब एक जनरल नॉलेज के हिसाब से बेसिक एक मतलब उसमें राइडिंग जितना आप ग्राउंड से घोड़े को देखोगे ना, घोड़े को आप भाई खाना किस टाइम देना है, कितना खाना देना है, कैसे रखना है, उसको नहलाना है तो कितनी बजे नहलाना है, मौसम में क्या देखना है, उसका पाँव कब साफ करना है, तो हमने एक कर रखा है। तो लोगों हमारे पास अभी आजकल क्या है, अभी मेरे पंजाब से भी एक आए थे, तो पंजाब से उनका क्या बहुत बड़ा हौजरी का बिजनेस है। अच्छा। अब उन्होंने कब से ही बोल रखा था मैं आऊँ, तो 3 दिन आए, तो उन्होंने 3 दिन में यहाँ रुक के घोड़ों का उनको शौक है, मगर उन्होंने 3 दिन में उनके पास इतनी एनर्जी आ गई कि वो जाके वहाँ फैमिली से, उनके वर्कर्स से, उनके काम में, उन्होंने वो खुद बोलते कि मैंने 3 गुना जोश से काम कर रहा हूँ, क्योंकि 3 दिन में उनको स्ट्रेस सब निकल गया। सही। तो मेरा कहना है कि जो भी अगर घोड़ा घोड़ी लेना चाहता है,
या फ्यूचर में स्टेट फार्म बनाना चाहता है, तो अगर वो सक्षम है, मेरा ये कहना है कि दोनों तरीके के लोग हैं, अगर वो सक्षम है तो वो हमारी तरीके की प्लेस पर आए, ठहरे, हमको, हम उसका चार्ज करेंगे और उनको सब कुछ सिखाएंगे भाई घोड़े को कैसे रखा जाता है, घोड़े का क्या प्लस पॉइंट है और घोड़े का क्या नेगेटिव पॉइंट है। हाँ, अब इसमें क्या हो गया, एक आदमी घोड़ा खरीदना चाहता है कि जो भाई मैं तो मेरे घर का खर्चा चलाने के लिए, तो उस बंदे को क्या करना चाहिए कि नियर बाय उसके घर के आसपास या उसके गाँव के आसपास कोई जो घोड़े रखता हो उसको जाके टाइम दे, उसके वहाँ उसकी हेल्प करे, तो वहाँ उसको कोई चार्ज तो नहीं करेंगे, घोड़े वाला भी सोचेगा मेरे ये हेल्प कर रहा है, मेरे घोड़े को दाना रख रहा है, पानी रख रहा है, खुर्रा मालिश कर रहा है, तो वो फ्यूचर में 2-4 महीने में सीख जाएगा कि मैं घोड़ा रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा। हाँ। तो ये दो तरीके हैं। अब किसी के पास मान लो बहुत बड़े स्टेट फार्म खोलने हैं कि भाई मुझे 10 घोड़े रखने फ्यूचर में।